दिनाना सर को अनुरोध करी से समअप करे आम मेमेंटो प्रदान करवा बहुत बहुत धन्यवाद पैनलिस्टों का उन्होंने बहुत संक्षिप्त में बहुत कम समय लेते हुए बहुत अच्छे से अपने विषय को रखा है आधा तो मैं समझ पाया आधा मैं नहीं समझ पाया ये मेरा दुर्भाग्य है क्योंकि परमात्मा ने इस भाषा का ज्ञान पूरा मुझको नहीं दिया सहकार कॉपरेटिव है ना एग्रीकल्चर क्या मैं कहूं इसके बारे में एक शब्द में मैं कहना चाहूंगा दोनों एक ही मां से पैदा हुए बच्चे हैं या विचार हैं एक मां के अगर विचार में विचार को बच्चा मानिए तो सहकारिता और कृषि एक ही मां के बच्चे हैं और वो मां कौन है मदर नेचर ये दोनों प्रकृति के हैं प्रकृति के ही संतान है प्रकृति ने जब हमें पैदा किया होगा आई डोंट नो आई मीन कब पैदा हम हुए हो तो जो पैदा हुए होंगे सबसे पहले आदमी भी जो भी हुए हो मनुष्य रूपा लेकिन इसके बाद जो व्यवस्था धीरे धीरे बनती गई तो हम ऊर्जा के लिए प्रकृति आधारित संस्थान जो फैक्टर्स थे उस पर निर्भर होते गए अपने ऊर्जा के लिए अपने जीवन के लिए अपने और उसी से हमने फिर धीरे धीरे कारोबार व्यापार इस करने की पद्धति सीखी क्योंकि एक उगाता था दूसरा उपभोग करता था और बीच में आ गया बिजनेस मार्केटिंग जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो ये नेचर ड्रिवेन जितने प्रोडक्ट हैं उसका अगर एक तो तीन तरीके बिजनेस के आज के डेट में बेसिकली एक तो है जो प्राइवेट सेक्टर करती है जिसे हम कॉरपोरेट फॉर्म कहते हैं दूसरा सरकार करती है और तीसरा लोग मिलकर करते हैं जिसको कॉपरेटिव हम कहते हैं तो नेचुरल रिसोर्स बेस्ड जितने ऑक्यूपेशन है जिसमें एग्रीकल्चर फॉरमोस्ट है इसका काम करने का अगर एक तरीका है तो वो है कॉपरेटिव अब जब ये है इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि हर चीज का जैसे मेरा एक नेचुरल फॉर्म है तो मैं अपने नेचुरल तरीके से प्राकृतिक स्वाभाविक तरीके से अपना विकास कर पाऊंगा तो कृषि या प्राकृतिक जो नेचुरल एंडोमेंट है उसके बेस्ड जितने बिजनेस एंटरप्राइज हैं अगर कॉपरेटिव बेस्ड है तो कॉपरेटिव फेल क्यों कर गया दिस इज अ वेरी फंडामेंटल एंड मूट क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है और कोटेशन भी है कि कॉपरेशन कॉपरेटिव हैव फेल्ड बट कॉपरेशन मस्ट सक्सीड ये आज नहीं जब मैं मैट्रिकुलेशन में था तब भी मैंने ये पढ़ा था कोटेशन और अब भी कई लोग ये कोटेशन कहते हैं और मैं कहता हूं इसका उल्टा कॉपरेशन को फेल करवा दिया गया है कॉपरेशन हैज नॉट फेल्ड इट जस्ट कांट फेल कॉपरेशन जिस दिन कॉपरेशन फेल कर गया उस दिन मानवता समाप्त हो गई ये प्रकृति समाप्त हो जाएगी वी ऑल विल नॉट बी देयर असंभव बात बिना सहयोग के तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते कॉपरेशन इज द फ्यूचर कॉपरेशन इज द प्रेजेंट कॉपरेशन वॉज द पास्ट यही कॉपरेशन था जो हम आजाद हुए यही कॉपरेशन था कि इंसान की प्रजाति इतनी बढ़ी नहीं तो मार के खा गए होते एक दूसरे का कॉपरेशन नहीं होता तो कॉपरेशन का यही था अगर कंपटीशन होता एक दूसरे को नहीं बढ़ने देने की भावना होती तो मानव जाति का तो संहार हो गया होता शुरू में ही जब हम 1-2 करोड़ की पॉपुलेशन विश्व में हुई होगी तो दिस फंडामेंटल कंसेप्ट फीलिंग ऑफ कॉपरेशन जिसने हमको बचाया तो कॉपरेटिव इसीलिए फेल हो ही नहीं सकता जब तक ये प्रकृति है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे एक भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने कम से कम 500 कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो फेल कर चुके उनका अध्ययन किया है मैंने यही पाया है कि उनमें कॉपरेटिव की तो भावना ही नहीं थी वो तो कॉपरेटिव थे ही नहीं मरी हुई थी वो तो मरी हुई को मार दिया तो कौन सा कमाल कर दिया कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कमिटमेंट समर्पण अगर आपको मुझसे सहयोग चाहिए मुझको आपसे सहयोग चाहिए तो ये यहां से आएगा मन से आएगा दिमाग से नहीं आता सो द मोमेंट अ बिजनेस मॉडल दैट इज ड्रिवन बाय द सेंटिमेंट दैट इज ड्रिवन बाय द इमोशन दैट इज ड्रिवन बाय द कंसर्न दैट इज ड्रिवन बाय द कमिटमेंट दैट इज ड्रिवन बाय द केयरिंग फॉर अदर्स ये मॉडल है कॉपरेशन का और यही मॉडल है एग्रीकल्चर के फ्यूचर में सर्वाइवल का अदरवाइज एग्रीकल्चर सर्वाइव कर ही नहीं सकती क्योंकि ये सब के सब जो रिसोर्स हैं लैंड कैनॉट बी क्रिएटेड वाटर कैनॉट बी क्रिएटेड इन लैब सो इज द केस विद नेचुरल एनवायरनमेंट अगर ये बन नहीं सकता तो हमारे पास रास्ता क्या है कंजर्व करने का प्रोटेक्ट करने का ये प्रोटेक्ट कब होगा व्हेन वी केयर फॉर अदर्स
जब हमें लगेगा नहीं ये हवा पे दूसरे का भी राइट है, ये जमीन पर दूसरे का भी राइट है, वी शुड नॉट पोल्यूट द लैंड, हम इतना फर्टिलाइजर नहीं यूज कर लेंगे दूसरे का जमीन खराब हो जाए, हम इतना केमिकल नहीं डाल दें कि नदी की मछली मर जाए। ये सब जब होगा, जब शेयरिंग का कंसेप्ट आएगा, जब केयरिंग का कंसेप्ट आएगा मन में, तब कॉपरेशन होगा। इसीलिए कॉपरेशन का फंडामेंटल जो कॉज है वो है हाईजैकिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉपरेशन बाय एन एक्सटर्नल फैक्टर जिसका मतलब नहीं इस कंसेप्ट से, जिसका मतलब नहीं उस कॉपरेटिव से। अगर हमें कॉपरेटिव को बढ़ाना है, अगर हमें एग्रीकल्चर को बचाना है, तो हर हाल में हमको कॉपरेटिव को मन की तरफ ले जाना होगा और लोगों के बीच में ले जाना होगा और लोगों के द्वारा ही कॉपरेटिव को बनाना होगा। दिस इज व्हाट आई कैन से इन 5 मिनट्स। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन 5 मिनट में इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं, और मेरे लिए भी ये डिसिप्लिन लागू होता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, और आप सब में परमात्मा बसते हैं और यही कॉपरेशन का स्पिरिट है, इसलिए ऑल कॉपरेटिव पर्सनैलिटीज को मैं पुनः नमन करता हूं। थैंक यू।